राम राम सभी भाइयों को। आज असी आए हैं हनुमान मंदिर ग्राउंड में घूमने। तो कल है 15 अगस्त, तो अभी हम कुछ लोगों से पूछेंगे आज क्वेश्चन कि 15 अगस्त में क्या हुआ था। तो जे हमारे हमारे रवि भैया जी आ रहे हैं, तो भाई जी इधर आना। हम बना रहे हैं 15 अगस्त पर वीडियो लोगों को बताने के लिए 15 अगस्त को क्या हुआ हमारे देश के साथ। तो आप कुछ बताना चाहते हो हमारे फैमिली के लिए? 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली इस दिन हमें, 15 अगस्त 1947 को। और बताओ ना क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे युद्ध हुआ हमारे देश? और देखो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद ही नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले देश के दो टुकड़े भी हुए। यानी आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के क्या हालात हैं, वहाँ पे किन को मारा जा रहा है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान हमारे साथ था, ये लाहौर आज भी हम देखते हैं कि लाहौर के लोग, तो ये पाकिस्तान भी कभी हमारा था, बांग्लादेश भी, इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो, वो भी हमारा ही था। फिर चाइना ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, अक्साई चिन जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा ही था। तो इस तरह तो बड़ा है, ऐसे अफगानिस्तान तक जिसे हम अखंड भारत बोलते हैं, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ब्रह्म देश जिसे वर्मा बोलते हैं, नेपाल, ये सारा भारत का हिस्सा था, ये टूटा। लेकिन फिलहाल जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के, भारत के बारे में जो बात होती है, तो इसमें भारत की स्वतंत्रता तो मनानी चाहिए, लेकिन भारत किन कारणों से टूटा, क्या कारण थे, किन के कारण ये टूटा, उसके बारे में भी मेरे को लग रहा है कि जैसे सोचना चाहिए, या लोगों के बीच में ये विचार, या किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बातचीत चलती रहनी चाहिए। बस यही है, और कुछ? तो गाइस आप देख सकते हैं हमने भाई से अभी क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने बताया। तो बाकी आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।